हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये इजी सा लुक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे फाउंडेशन ले रही हूँ, विच इज़ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, और इसको मैं हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने हाथ से इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। एज़ यू नो, मैं हाथ को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर इतना ज़्यादा मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता, तो फिर मैं हाथ से ही अप्लाई करती हूँ। आप चाहो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है और अपना एक जो स्पॉट है वो कलर करेक्ट कर दिया, और थोड़ा सा मैं इसको अपने लिड पर भी लगा रही हूँ, जस्ट क्योंकि शेडो बहुत ज़्यादा पॉप करता है इसकी वजह से। सो मैं यहाँ पे आई शेडोज़ लगा रही हूँ। पहले गाइज मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई थी, बट वॉइस इतनी कम आती है मेरी वीडियो में, तो मैंने वॉइस ओवर करने का सोचा। सो उसके बाद मैं मेबेलिन फिट मी का पाउडर ले रही हूँ इन द शेड लाइट 10, और मैं इसको अपने पूरे फेस को सेट कर दूँगी, एज यू कैन सी। एंड गाइज, ये पाउडर, आई लव दिस पाउडर, ये आपके फेस को बिल्कुल मैट कर देता है और इवन टोन कर देता है, और बहुत पसंद है मुझे ये पाउडर बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का पैलेट लेके उसमें से दो कलर्स लेकर अपने चीक्स पे लगाऊंगी, और थोड़ा सा मैं इसमें ये शिमर ब्रिक है, इससे मैं ये हाइलाइटर शेड ले रही हूँ, और इसको अपने हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ फेस पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, इतना नेचुरल सा ग्लो दे देता है। उसके बाद गाइज मैं अपना आई थिंक हिलरी रोडा, यस, उसका एक आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, उसमें से मैंने ये बरगंडी शेड लिया हुआ है, और इसको मैं पूरे लिड में अप्लाई कर रही हूँ। और गाइज बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ द की इन द आई शेडोज। उसके बाद मैं ये इसका ही बरगंडी शेड में जो है शिमरी शेड लूँगी, और इसको फिर अपने लिड्स पे अप्लाई कर दूँगी, एज यू कैन सी। सो ये बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लुक है, इसमें एक ही कलर्स का यूज़ हुआ है, और बहुत अच्छा लगता है ये, ट्रस्ट मी गाइज। उसके बाद थोड़ा सा और शिमर देने के लिए मैंने अपना हेटेड विद लव पैलेट यूज़ किया है, और उसमें से मैंने पिंकी शिमरी शेड यूज़ किया है, विच इज़ क्लोज टू दिस बर्गंडी शेड, और मैंने इसको अपनी पूरी लिप पे अप्लाई कर दिया। उसके बाद वही शिमर ब्रिक पैलेट में से मैंने ये हाइलाइटर शेड लिया है, और उससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद गाइज मैंने ब्लू हेवन का ये आईलाइनर ले रही हूँ, और इसे मैं ज़्यादा नहीं, एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होना, जस्ट एक विंग लाइनर ड्रॉ करना है। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा, विच इज़ वाटरप्रूफ, और बहुत अच्छा मस्कारा है गाइस। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में जाना है तो ये मस्कारा बेस्ट है। उसके बाद मैं वही बर्गंडी शेड लेके अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद गाइज मैंने लैशेज लिए, आई थिंक ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, और उसको मैं ग्लू की हेल्प से स्टिक कर रही हूँ। सो यू कैन, एंड देन लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है रेड शेड, और इसके साथ वैसे न्यूड शेड भी चलता। एंड या, दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज। एंड इफ़ यू लाइक दिस लुक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।